नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज भाई 21/3/2023 भिवानी अनाज मंडी में भाव देख बतावांगे आपने कि कुछ बिक रहा है। तो भाई सबसे पहले किसान साथियों, भाई जो अपने चैनल पर नए आए हैं, भाई अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लें। और भाई अपना चैनल नरेंद्र फार्मिंग पर भाई तीनों मंडिया के भाव देख दिखावा आप, चारा मंडी, सब्जी मंडी और भाई अनाज मंडी। तो चारा मंडी में भाई तूड़ी के, पराली के और हरे चारे के भाव, और भी जो चारा भाई आवे है उनके फिलहाल बरसम हुई, जई हुई और भाई ईख। और भाई सब्जी मंडी में भाई सब्जियां के भाव, भाई जो भी सब्जी आने लाग रही है किसान साथियों की, और भाई कुछ फ्रूटा के भाव। तो साथियों भाई इब देखांगे, ये जो आ रहे हैं भाई ये सूखने लाग रहे हैं, नमी थी थोड़े आले लकड़ रहे हैं तो सुखाने पड़े हैं। तो देखांगे घूम फिर की नरमा की बिक्री होने लाग रही है और तोल चालन लाग रहा है। तो आड़ा देखांगे कि कुछ बेकी है भैया, सह तो मेरे ख्याल में पहल की पड़ी है कि किसान दिखदा को नहीं इसका, तो सेट तत पूछ लेंगे इसके बाद। ये दिखा दें भाई नरमा की क्वालिटी, ये भाई 7440 रुपये की है ढेरी नरमा की, जो आपकी दिखा दी थी ये बेपल्ली बेच ली हैं, इनकी तुलाई होगी। या डेरी बेकली भाई, इसकी कंडीशन दिखा दें आपने, 6500 रुपये बेकी है भैया, ये दिखा दें आपने भाई जी सा माड़ू से पीछे। तो आज ऊपर में भाई 7500 बेकी है और वही नीचे तो देख लियो आप, या 6500 है। ये दिखा दें भाई, या सरसम की तुलाई चल रही है, इसमें भाई 33 किलो तेल था, 5050 रुपये बिकी है। या तो यो फिलहाल ये तोल होने लाग रहा है, कितना ही तुलाई हो है इसकी, 50 किलो 200 ग्राम की तुलाई हो भाई इसकी। तो और देखा है भाई घूम फिर की। तो भैया सरसम इस भाई की थी, तो एक बार राम राम भाई साहब। राम राम भाई, क्या हाल भाई साहब? ठीक ठाक। के नाम भाई? परसोत्तम। अब पकड़ियो भाई साहब एक बार। अच्छा, के गांव कौन सा अपना? पथराली। तो सरसम बेच दी? बेच दी। के भावे किया? 5050। तो पुरानी थी कि नई थी? पुरानी। पुरानी थी। तो सरकारी में को नहीं बेची? सरकारी ली कौन है? सरकारी ने नई रे, नई काटेंगे जी, देखेंगे कौन लग रही है कि मैं ये मौसम ने गड़बड़ कर दी। हाँ सर, ओले आले तो नहीं आए होंगे? जड़ का सर, ये फिलहाल ओले का तो नुकसान नहीं है? ओले का कोई। बारिश बारिश तो सर? हाँ बारिश। कितनी होगी बारिश? 5 आंगड़। 5 आंगड़। हाँ ठीक। तो ऑनलाइन करवा रखी सरसम? करवा रखी। अच्छा, क्या किले की? 5 किले। 5 किले की। चलो, तो यह पहले का कोई बेची है ना? कौन बेची, रख ली थी। चलो ठीक है भाई साहब। ठीक। ले भाई, भाई की तो तुल्ली है या सरसम? हाँ थोड़ी ढेरी आवा भाई, ये कुमार की बोली होली। और एक भाई इसकी क्वालिटी दिखा दिया, ये देख लो भाई क्वालिटी, एक तोल चल रहा है। तो किसान सह को नहीं अड़े को नहीं? अच्छा चलो भाई साहब, तो बात करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी, क्या हाल है? बढ़िया जी, बढ़िया। तो भाई साहब यह डेरी के बाबे की जो आप? यह भी की है जी, 4700। हाँ जी, हाँ जी। तो एक भाई यो गुआर और देख लिया, यह भी बिक ली? नया कौन बिकी जी, इस तरह वाले गुआर बिक है जी, ये 3500 से 4000 के बीच में। अच्छा, बेकी क्या तो नहीं के बात ना, इन भाई बेचा को नहीं वो?
अच्छा जमींदार। अच्छा जमींदार भी अच्छा कोनी। हाँ। ठीक तो आज ऊपर का के भाव रहा है? ऊपर के भाव समझ लो 5200 रुपये। हाँ जी ठीक। हाँ जी चलो। और या नरमा के बाबे की है? नरमा भी की है जी। ऊपर में ये 7450 है। हाँ जी। हाँ जी चलो। जमींदार होंगे आड़े हैं? हाँ जमींदार क्यों बैठा है? जमींदार बैठा है। चलो जमींदार है तो बात करांगे सीधी। तो एक भाई इसकी क्वालिटी दिखा दे। हाँ ये दिखा दे। दोनों ही फोटो आने चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई। और ठीक सो? हाँ जी बढ़िया। नाम क्या अपना? हरपाल नाम है। अच्छा गांव कुड़सा है? संजरवास। संजरवास तो नरमा के भाभी की अपनी 7420। आज 7450 आज रही है वो लगभग। यो दो तीन दिन। हाँ, यो भाव चाल ये बा। क्या कौन सी वैरायटी थी अपनी? वैरायटी है या राशि की? राशि की। हाँ जी। किसी के से? बढ़िया। अच्छा क्या किल्या ही बोरे? क्या किल्या बोरिया की दिया? या ढाई किल्ले? ढाई किल्या में। हाँ जी ठीक। तो मी पानी? मी खूब होया जी। ओले आले नहीं पड़े? ना ओले नहीं गिरे जी। दादरी की तो काट की गिर दिया भाई। हाँ दादरी बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ सही बात। चलो ठीक है भाई साहब। ठीक धन्यवाद। ठीक है जी भाई। तो भाई साथियों भाई फिलहाल तो सरकारी खरीद बंद हो रही है। ये एजेंसी लिया करती भाई तो एजेंसी फिलहाल भाई काम रुक रहा है। तो एफेड नेफेड खरीदेंगे भाई। देखो कत्ते कोई पक्का नहीं बेरा फिलहाल भाई। कह कत्ते लेंगे फिर दोबारा कत्ते शुरू करेंगे। तो चलो और देखांगे भाई। तो भाई कई साथी क्या करें भाई आनंद ट्रेडिंग कंपनी तभी भाई बात करया करो। तो भाई फिलहाल आए थे तो आनंद जिया तो बात करांगे। आज क्या हाल चाल रहा मंडी में और सरकारी खरीद का के है भाई के कुछ चल रहा है थोड़ी जानकारी लेवांगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। आनंद ट्रेडिंग की तरफ से सभी किसान भाइयों को राम राम। जैसे किसान भाइयों सरसों में मंदे का दौर है और गवर्नमेंट की परचेज डायरेक्ट परचेज होगी किसान की परली मंडी में होगी। उस मंडी में सब अपना माल सुखा की ले की जाइयो और साफ सुथरा लेके जाइयो। परचेज डायरेक्ट होगी साफ सुथरा ये माल सरकार लेगी। तो लगभग फिलहाल बंद हो रही है? अब एक हफ्ते के लिए बंद है लगभग। जब तक मौसम क्लियर नहीं होगा सूखे माल नहीं आएंगे तब तक परली मंडी में ही डायरेक्ट की किसान की परचेज होगी सीधी। ठीक थोड़ा। हाँ भाई आठ तो का कोई चक्कर नहीं है। इस अच्छा। मंडी में खरीद नहीं होगी। इस मंडी अच्छा। में प्राइवेट बिकेगी। ठीक जहाँ पर चारा मंडी लग गया। हाँ चारा मंडी लगती है वहाँ डायरेक्ट किसान अपना टोकन से बुलाओगी क्या सिस्टम करेगी उसी का ले होगी। तो किसान नहीं नू के बेरा पटेगा भाई घर बैठे वो मैसेज देगी जी फोनों में। अच्छा मैसेज आ जाएगा भाई। हाँ, आपकी रोज वो 200-250 किसान ठाएगी। एक दिन में 25 क्विंटल माल लेगी एक किसान का। एक एक अगर फिर 25 क्विंटल का नंबर आएगा तो दोबारा शेड्यूल में आएगा उसका नंबर। ठीक ठीक एक साथ में पूरा नहीं आएगा पूरा माल नहीं लेगी। अच्छा भाई मान लो मेरा जो अब तक चिट्ठी आ रही है जो चिट्ठी का हिसाब है जो पड़ी है हमने उसके लेवल में है। मान लो 50 क्विंटल है तो 25 क्विंटल एक बागी 25 एक बागी दो श्याम है। सारे देश में खरीद है। एमपी में मध्य प्रदेश के अंदर 25 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी। एमएसपी पे 1 तारीख से पूरे राजस्थान में शुरू हो जाएगी। ठीक किसान का दाना दाना सरकार खरीदेगी और शांति से माल लेगी सुक्का माल लेगी साफ सुथरा माल लेगी। एक तो ये मौसम निकल गया मौसम की वजह से हफ्ता 10 दिन लगेगा जी क्योंकि गांव में बहुत बारिश होगी है। हमारी एरिया में भी 10-10-15 अंगल कल बारिश थी गोरी पर केतलाना डोकी सार शिवास सावड़ तक उस एरिया पे गया है वो बारिश। बारिश भी हुई हर कुछ आवड़े भी गिरे हैं। किसान भाइयों नरमा 7450 भी क्या है 85 के बाद है जब लग गया था। किसान भाइयों तुम्हारा हाथ जोड़ने के लिए बेचो भाई बंदी है मिंदी है गुआर भाई 51-52 के भाव हैं। बढ़िया गुआर के नीचे मड़का गुआर 45-46-47 के भाव। ठीक और बाजरा का बाजरे के भाव 2100-2150 के हैं भैया और गेहूं के भाव हैं 2200-2250-2250 जैसी क्वालिटी वैसा भाव। और जो का के बाजार चाल जो के भाव हैं आले जो आओ हैं जी 1900-2000 रुपये के भाव हैं सूखे जो 2100-2100 के भाव पक्के हैं। ठीक और गुआर गुआर के भाव अब हाँ गुआर के बता दिए सॉरी। हाँ अच्छा और चना का के बाजार चाल चने के भाव हैं 5000 के अट्टे पेटे जी। और मेथी मेथी के भाव हैं 5500-6000। और मूंग का मूंग के भाव हैं 6000-7000 तक के भाव हैं 6000-7000। और किसान भाइयों बहुत मंदी का दौर है। अगर सरकार ड्यूटी लगा देती है 1 तारीख से
और तेलों में जो बाहर से आते हैं फिर तो बाजार तेज हो जाएगा। अगर ड्यूटी नहीं लगाई तो सरसम बिल्कुल गवर्नमेंट बंद करते ही 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगी। इसलिए किसान भाइयों से अपील है कि भाई जिस भाई ने माल बेचना है वो गवर्नमेंट को बेचें, और जिसने प्राइवेट बेचना है तो 100-200 रुपये का डिफरेंस है। 35 किलो तेल की डेयरी यहाँ 40 लैब का माल 5300 रुपये में 52 में बिक जाएगा, 5200 रुपये में 40 लैब का माल मंडी बिक जाएगा। अगर इतना तेल है तो मंडी लेने का फायदा है, और नॉन लैब है तो गवर्नमेंट के भरवाने का फायदा है। सही बात, नहीं तो यहाँ 38 लैब का माल 5000 बिकेगा। एक एकड़ का कितना क्विंटल लेगी सरकार? एक एकड़ का लगभग 6-7 क्विंटल का दायरा है, जैसे जो सुनने में आ रहा है। जो पिछले साल की भी राख रहे हैं ईबीओ होगी तो उसमें तो देखो अगर पूरे देश में सरकार आ जाती है तो बाजार सुधर जाएगा, और ड्यूटी लगा देता है तो फिर तो वैसे ही 6000 बिक जाएगी। अगर ड्यूटी नहीं लगाता है और पूरे देश में खरीद नहीं होगी, जैसे सरकार जो आज बोल रही है भाई मैं राजस्थान भी खरीदूंगी 25 तारीख से पता लग जाएगा, 2 दिन के बाद मध्य प्रदेश में खरीद है, वहाँ से ही पता लग जाएगा। अगर वहाँ खरीद होगी तो सारे देश में हो जाएगी फिर। ठीक, नेफेड की तो इन एफेड और नेफेड खरीदेंगे? यहाँ नेफेड की खरीद है। अच्छा। नेफेड की एक एजेंसी होती है एफेड खरीद के देगी डायरेक्ट। अच्छा, नेफेड थी। हाँ, वो कांडा कोई लगा सकता है मजदूरी का, वो बड़े ठेकेदार को ही देगी। जो आदमी जिसके पास लेबर भी है, माल काटने वाला भी है, तोलने वाला भी है, सिलाई वाला भी है, लोडिंग वाला भी है, जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी देगा उसको व्यापार करेगा। ठीक, तो इसलिए किसान भाइयों जल्दी मत करो, बिल्कुल सूखा माल निकालियो, साफ सुथरा माल निकालियो, तसल्ली से काम करियो। अभी कोई खरीद नहीं होगी दाने मंडी में, 12 मोक्सर की सरसम लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है प्राइवेट में भी। हाँ, सूख रही है, देखे हैं। 7-8 मोक्सर का जो माल होगा वही मंडी में बिकेगा। साफ सुथरा माल लाओ, बढ़िया तेल बैठेगा, सूखा की माल निकालो, आप लोगों की भलाई का काम है। सही बात, ना तो दिक्कत दुकानदार को, ना आड़ती को, ना जमींदार को, ना लिवाड़ को। गिल्ला माल होगा 4000 बिकेगी, 4500 का भाव लगेगा, वहाँ 3 दिन तुम पड़े रहोगे, आप लोगों का माल की घटती आएगी। जी, साफ सुथरा व्यापार करो, साफ सुथरा माल निकालो, साफ सुथरा थ्रेसर वाले से, क्योंकि पैसे लगते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा माल थ्रेसर वाले से निकलवाओ, और उस क्योंकि उसमें तेल भी ठीक बैठेगा, सूखा माल लकड़ेगा, साफ सुथरा होगा तो ऐसी बात नहीं है, ठीक क्वालिटी बैठेगी। जी, नरमा 7400 भी क्या है भाई। चलो ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद आपका जानकारी देने का, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को। तो भाई या और ए बाबा पूछ लेंगे। ये दिखा दें अपना क्वालिटी, तो ये भाई 7400 रुपये बिकी है। तो ये जो के भाई कई किसान साथी पूछ रहे थे, तो भाई जो नू लगा लो भाई थोड़ा भाई ठीक हो, नमी ना हो, तो 2100 के आसपास के भाव चल रहे हैं, और भाई जिसमें नमी है वह 1800-1900 के आसपास के भाई जो के भाव हैं। कल भी किसान साथी, कल की वीडियो में भाई आपने जो के भाव बताए थे भाई, तो कई किसान साथी भाई देखो नहीं कि पूरी वीडियो भाई अधूरी देखे हैं, वैसे जो के बता दिए थे। और सरसम के भाई नू लगा लो 5200-5250 के आसपास के भाई 40 लैब के भाव चाले हैं, और अपनी नरमा 7700 रुपये के भाव चल रहे हैं। तो भाई और देख लेंगे मंडी में घूम फिर की भाई सरसम पाइप फिलहाल रुकावट है, और नेफेड खरीदेगी, और इस अपनी जो या अनाज मंडी है इसमें नहीं खरीद होगी, दूसरी जो जड़ा चारा मंडी लग है तो उस मंडी में खरीद करेंगे। देखो 25 तारीख तय शुरू करेंगे कि या कब करेंगे, जब भी तारीख बेरा पाटा का किसान साथी आदि बता देंगे, और मैसेज आओगा भाई किसान साथियों आपका फ़ोन पर, तो भाई जो आपने पंजीकरण करवा रहा क्या है तो उस हिसाब से लगभग एक किला बोल दो भाई, 1 एकड़ बोल दो तो 6 क्विंटल का भाई आसपास की खरीद होगी, 1 किले में की जो सरसम है तो उस पर। तो और देख लें पूरी मंडी में भाई के कुछ आ रहा है, तो ये सरसम की डेयरी भाई सरकारी खरीद के उसमें चक्कर में पड़ी है फिलहाल। ये भाई जो उतारन लाग रहे हैं, तो भाई तो बात करांगे एक बार, थोड़ा माइक ना दूर रखियो भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई अपना? पवन नाम है भाई। गांव कौन सा भाई? गांव दारेडू। दारेडू। तो भाई ये जो
एक किलो के हैं ना, किल्लत कम है, कम के मशीन खराब होगी लकड़े को। अच्छा कितनी कोसत होगी भाई तेरे सामने? 60 मन किल्लत 60 मन। कौन सी वैरायटी थी? 393 नंबर 393। अच्छा तो कौन सा महीना में बोई थी? 11 महीने लास्ट सिम बोई थी, 25 तारीख। अच्छा 11 लास्ट में बोई थी। तो ईब क्या पानी लगाए भाई इसमें? एक पानी लगा। पानी कितने दिन बाद लगाया बोया? बच्चा 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद एक पानी में पार हो गए? एक पानी में पार हो गए भाई, और देने की जरूरत नहीं पड़ी। कै साल हो गए बूंदी तने? आए साल बोआ दो, 1-2 किलो में तो। अच्छा खेती करने लगे जब से? तो फिर गेहूँ आता है ठीक? फिर तो यार पानी कम है, उड़े बेच सके जो पौधे। हाँ हाँ भी ठीक है लगभग, बढ़िया खेती है जो की। हाँ जो की खेती। हाँ। तो रोज रांज खा जाए इन्हें भाई? नुकसान तो दे होए है, रुखाल तो करनी पड़े, डांगर डूंगर खास का इन्हें। इसमें थोड़ा चरचरापन हो जाता है। हाँ। इस कारण ना गेहूँ खान उस गेहूँ की जितनी हो उतनी। अच्छा कोई दिक्कत हुआ से अलग तब कोई दिक्कत? ना 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 गेहूँ तब सही है। यो दिखा दें भाई आपने, तो भाई इनका भाव लग गया को नहीं है भाई, नमी तो है थोड़ी ही। तो कंबाइन तो कटवाए थे भाई साहब? हाँ कंबाइन तो लकड़े थे भाई। ठीक, और खाद पानी के डाले था भाई साहब? इस माह आधा कट्टा यूरिया, एक एक कट्टा डीएपी का बाद। डीएपी साथ में ही बोई थी के? हाँ नीचे बोई थी। अच्छा यूरिया पानी पे? हाँ एक पानी पा आधा कट्टा गिर थी, थोड़ी गेते थे माँ कदे आडे पड़ जाएंगे। हाँ तो हाइट कितनी बड़ी इनकी? हाइट इनकी थी मतलब इतनी 3.5 फुट, छाती से थोड़ा नीचे है। ठीक चलो ठीक है भाई साहब, ठीक धन्यवाद भाई। ये भाई दिखा दें तो आली सरसम लग नमी है भाई इनमें, और इन्हें सुखाण लाग रही है भाई, यो लो का जुगाड़ है इतना भाई घुमाण लाग रही है इन पग। तो ये दिखा दें भाई नमी चेक करने लाग रही है मशीन के लिए। ए वो नमी चेक करके दिखाओ कितनी नमी आन लाग रही है इसमें, ये या मशीन है भाई नमी चेक करने की। ये देख लियो भाई इसका ये तरीका दिखा दें आपने। हाँ तेरी फोटो जरूर आओगी सेठ जी। ये भाई कई किसान जाति नुक है भाई नमी का, ये तो या मशीन है जो नमी चेक करने की। अच्छा 12.3 है भाई इसमें मॉइस्चर, 7 पास है जी। तो 7 पास है इसमें, तो भाई और सूखेगी यहाँ है। तो क्या कहना चाहोगे किसान ना के तई आप सुखा की लेनी चाहिए जी? बारिश हुई है, हम तो चाहवा किसान सरसों निकाले नहीं अभी। हाँ। एक हफ्ते बाद निकाले सुखा माल निकले जो उसने सही भाव मिल सके, नमी का माल ले हुआ लाओगा तो उसने भाव सही को मिलेगा। हाँ। तेल सही को बैठेगा, तो यो ये है सुखा के लाओ, सुखा की लेनी चाहिए। तो भाई ये देख लो आड़ा मेहनत करनी पड़ा है भाई ये सुखा सुखा की, ये देख लो। तो ये भाई साहब सुखाने लग रहे हैं। तो भैया मशीन थी भाई मॉइस्चर चेक करने की, नमी चेक करने की भाई कितनी नमी रहेगी। तो ये सुखा सुखा की भाई बार बार चेक करने भाई कितना सूखापन आया है इसमें। तो साथियों भाई थोड़ा और देखेंगे रहेगी भाई थोड़ी और घूमना मंडी में क्या। तो भाई सरसम के आज भाई जो वैसे प्राइवेट पे करने लाग रही है भाई 40 लैब 5200 के रेट चल रहे हैं भाई। तो साथियों भाई कई साथी मैसेज में पूछ रहे हैं भाई देखो भाव भाव तो लगभग आप बताए दे वहाँ, तो भाव में तो जो है लगभग। तो साथियों ये थी आज भिवाणी अनाज मंडी के भाव की वीडियो। तो अपनी वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल ने सब्सक्राइब करना। नमस्कार।